सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन टू राज डोमियो गेमिंग। सो एज यू नो के होयोवर्स ने अपना बैनर दे दिया है यहाँ पर ऑफिशियली, और जैसे कि आप लोगों को पता है 3.7 फेज टू में जो है काजुआ एंड अलहैतम आने वाले थे, ये तो हमें पहले से ही पता था, बट फोर स्टार आज रिवील कर दिए गए हैं जिसमें शेंगलिन, हेजो एंड याओयाओ आने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से कैरेक्टर निकालना चाहिए, किसे ये कैरेक्टर निकालना चाहिए, कौन से लेवल पर ये आप कैरेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, किसमें ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू दूंगा और कैसे कैरेक्टर है इसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आप भी कन्फ्यूज्ड हो कि किसे मैं पुल करूँ और फोर स्टार के लिए मैं पुल करने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम फोर स्टार की बात करते हैं। तो काफी दिनों से भाई जिस इंसान का इंतजार था, काजुआ ये आ चुका है। ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है, ये एनिमो कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये ग्रुप अप में बहुत अच्छा काम आता है, साथ ही साथ आपके टीममेट्स का जो है एलिमेंटल मास्टरी भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और साथ ही साथ डीबग भी करता है आई थिंक सो। तो इतना मैंने डिटेल में गया नहीं हूँ, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब ये आपके अकाउंट पे होना चाहिए। जिन लोगों को काजुआ के बारे में नहीं पता, जो अभी अभी गेम स्टार्ट किए, तो मैं उनको बता दूँ भाई ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है इन फाइव स्टार, ठीक है। काजुआ इतना बेटर है कि अगर आप बताओ आरकॉन, इसका आरकॉन होता है वेंटी, वेंटी से भी बेटर मुझे काजुआ लगता है पर्सनली। तो अगर आपके पास काजुआ नहीं है तो आप बेझिझक काजुआ पुल करो, क्योंकि इसका बैनर भी काफ़ी देर बाद आता है, एक एक साल बाद इसका बैनर आता है। तो अगर आपके पास प्रेमोजेम्स है, आपके पास फेट्स है, आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो, तो आप ज़रूर इसको पुल कर सकते हो, ठीक है। वो कोई भी लेवल वाला हो, अर्ली गेमर, मिड गेमर या हाई गेमर, जो भी बंदा है, काजुआ अगर आपके अकाउंट पे नहीं है, आप प्लीज़ पुल करना के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये आपको फ्यूचर इन फ्यूचर भी बहुत काम आ सकता है, ठीक है। अब रही बात, तो कोई कोई बंदे ये भी मेरे को स्ट्रीम पे पूछते हैं कि राज भाई मेरे पास जोंगली भी नहीं है, जोंगली और काजुआ में कौन सा बेटर है। तो अगर आपके पास जोंगली नहीं है, तो जहाँ तक के खबर आ रही है कि जोंगली 4.0 में आ सकता है, मतलब नेक्स्ट पैच, उसके नेक्स्ट पैच में, बट फिर भी कंफर्म नहीं है, होयोवर्स कुछ भी कर सकता है। तो मैं जोंगली, जो लोग जोंगली के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग और 5 दिन बैनर जैसे ही आएगा उसके पाँच, एक हफ्ता और रुक जाइए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम आने वाला है 3.8 का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जोंगली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर जोंगली नहीं आ रहा है 3.8 में, तो आप लोग काजुआ बेझिझक इसे पुल कर सकते हो। सो अगर आप कन्फ्यूज हो कि जोंगली और काजुआ में, तो आप लोग वेट करो गाइस 3.8 लाइव स्ट्रीम का, जो कि हमारे ही चैनल पर जो है यहाँ पर आपको लाइव दिखाया जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो उसके लिए वेट करो। 6 पैक्स एफ्स वाला अलहैतम, तो ये अलहैतम बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है एज एन डेंड्रो। अब तक के जितने भी डेंड्रो कैरेक्टर आए हैं उसमें सबसे DPS कैरेक्टर यही है, मतलब आफ्टर नाहिदा, मैं तो कहूँगा आफ्टर नाहिदा ये बेस्ट है अभी तक के जितने डेंड्रो कैरेक्टर आए हैं, क्योंकि ये ना इसमें थोड़ा, इसको थोड़ा टाइम लगता है इसको सीखने में, क्योंकि इसके जो मिरर है ये आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को समझता नहीं है, ठीक है। बट ये अगर आप अच्छे से खेलने लग जाओगे ना, तो ये SSS कैरेक्टर में ज़रूर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अर्ली प्लेयर हो, आपके पास कोई DPS नहीं है, अर्ली प्लेयर वालों के लिए अगर आपके पास कोई DPS नहीं है और आपके पास काजुआ है, तो अलहतम जा सकते हो। आप अगर एक न्यू टीम बना रहे हो, क्योंकि आजकल जो है डेंड्रो टीम काफ़ी OP बन रही है और पहला DPS कैरेक्टर है, तो आप ले सकते हो। आपके पास थैग्नार ही नहीं है, तो आप इसे पुल जरूर कर सकते हो अगर एक आप डेंड्रो टीम बनाना चाहते हो, तो अलहतम इज योर बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और मिड गेम वाले भाई, मिड गेम वाले अगर आपके पास काजुआ है तो आप अलहतम पुल कर सकते हो, काजुआ है तो आप अलहतम के लिए जा सकते हो, अगर आपके पास काजुआ नहीं है तो आप अलहतम को स्किप करो और काजुआ के लिए जाओ। और एंड गेम वाले, एंड गेम वाले आप अगर न्यू टीम बनाना चाहते हो, आपके पास काजुआ आई होप होगा, तो आप एक न्यू टीम बना सकते हो। वैसे अलहतम भी काफी बढ़िया टीम बना रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे फोर स्टार कैरेक्टर्स के ऊपर। तो फोर स्टार कैरेक्टर में भाई बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर्स दिए, मतलब टॉप फोर स्टार में आती है हमारी शेंगलिन, और शेंगलिन हर किसी को मिलती है क्योंकि वो एबिस 3rd फ्लोर तक के करता है तो मिलता है। बट शेंगलिन इतनी बढ़िया कैरेक्टर है क्योंकि ये सपोर्ट बहुत अच्छा करती है, सब DPS में भी काम आती है, और इसका पायरोनाइडो जो टोर्नेडो जो इसका बर्स्ट है ये काफी बेहतर होता है, और इसका बेहतर C4 में होता है, मतलब उसका
ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपके पास शेंगलिन C1, C2 या C3 है, आप शेंगलिन को C4 करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और अगर आपके पास C4 है बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो 5-स्टार कैरेक्टर लेने में, बट आप किसी फ्यूचर 5-स्टार के लिए इंतजार कर रहे हो, तो आप चाहो तो C6 कर सकते हो, नहीं भी तो आप रख सकते हो, क्योंकि आपको C5 और C6 शायद शॉप से भी मिल सकता है या फिर स्टैंडर्ड बैनर से भी मिल सकता है, ठीक है। बट यू इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन 5-स्टार कैरेक्टर्स इन दिस बैनर, देन आप स्किप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको C4 तक के ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी हो तो 10-20 पुल्स आप कर सकते हो। अगर आपकी PT एकदम लास्ट PT नहीं है, हार्ड PT नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हेजो वन पंच मैन। ये जब रिलीज़ हुआ था काफ़ी फन था, काफ़ी लोगों ने इसको खेला क्योंकि इसका एक यूनिक स्टाइल था, ठीक है। ये हाथ से मारता था एकदम पंच टाइप, और आप लोगों ने देखा होगा मैं अभी हेजो को बिल्ड कर रहा हूँ, इतने दिनों बाद मेरे पास हेजो C2 है। इसके भी कॉन्स्टिलेशन काफ़ी ज़रूरी है, जितने ज़्यादा कॉन्स्टिलेशन रहेंगे उतना है, लेकिन ये एज एन 4-स्टार DPS होने के चक्कर में मैं तो कहूँगा अगर आप अर्ली गेमर या मिड गेमर है तो इसके लिए मत जाइए। अगर आप फन के लिए लेना चाहते हो तो इसके लिए स्पेशली अगर पास C4 अगर होगा तो आप C6 के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये बेटर है, फन टू प्ले कैरेक्टर है, तो आप इजीली इसे ले सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट आते हैं हम याओयाओ की तरफ। याओयाओ भाई बहुत ही अच्छी है, देखा जाए तो ये हील भी करती है प्लस डेंड्रो भी देती है, अप्लाई भी करती है, तो हीलर प्लस ये काफ़ी लोग इसे यूज़ भी कर रहे। मैंने अभी तक के इसको बिल्ड नहीं किया, बट मैंने जहाँ तक के मेरे एबिस खेला है मैंने इसके साथ हमारे मेंबर्स के अकाउंट पे, तो ये काफ़ी वर्क होती है मैक्सिमम जहाँ तक के मैंने देखा है, तो ब्लूम रिएक्शन के लिए काफ़ी बेटर साबित होती है, क्योंकि इसमें जो है ये डेंड्रोकोड बनाने में काफ़ी बढ़िया इसका बनी जो है वो वर्क करता है। तो यस, अगर आप एक डेंड्रो टीम बना रहे हो, ब्लूम टीम बना रहे हो, तो आप याओयाओ के लिए जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दो इसे अगर आप स्पेशली जा रहे हो तो। बट यस, अगर आपके पास है और आपको ज़रूरत है तो आप पुल कर सकते हो, बट पहले आपकी प्रायोरिटी 5-स्टार होगी अगर आप आगे किसे जा रहे हो, और ज़रूर अपनी PT ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे वेपन बैनर की तरफ। तो वेपन बैनर पे जो है यहाँ पर फ्रीडम शोन है, तो काफ़ी लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि काजुआ का वेपन ज़रूरी है क्या। देखो, हर कैरेक्टर का पैसिव वेपन उसके लिए ज़रूरी ज़रूर होता है, बट काजुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप दूसरे 4-स्टार लगाकर भी ना काफ़ी बढ़िया बना सकते हो। तो F2P एज एन F2P अगर आप काजुआ बना रहे हो, एज एन EM फुल EM बना रहे हो, तो आप आयरन स्टीन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फवेनियस फॉर्ड भी लगा सकते हो, जिससे आपको ER में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और काजुआ काफ़ी लोग सब DPS भी यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे वाले अटैक वाले 4-स्टार में, तो काजुआ को 4-स्टार चल जाते हैं, ठीक है। 5-स्टार उतनी ज़रूरत नहीं है, यस, बट आपके पास है, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे है प्रीमोजम्स है पड़े हुए हैं, तो आप इस पर फिर पुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका लाइट ऑफ रे। ये काफ़ी बढ़िया वेपन है गाइस, ये बहुत बढ़िया स्वॉर्ड है, क्योंकि इसमें क्रिट डैमेज मिलता है आपको और वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपके पास अलहतम है, अगर आपने अलहतम पुल किया है इसके पिछले वाले बैनर पर, तो मैं कहूँगा भाई आप इसमें ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आपको वेपन मिलेगा ना तो आपका अलहतम जॉट बन जाएगा। जिनके पास अलहतम है, मैं सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करूंगा कि आप ये ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कैरेक्टर है जो स्वॉट कैरेक्टर को बूस्ट देना चाहते हैं और उनके पास काफ़ी सारे प्रीमोजेम्स है पड़े हुए, तो तभी आप दीजिए। बट अगर सबसे मेन प्रायोरिटी थे, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अलहतम है तो आप ज़रूर इसमें पुल करो, इस वेपन के लिए आप पुल कर सकते हो, ठीक है। ये वेपन काफ़ी बढ़िया होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके 4-स्टार की तरफ। तो मुझे 4-स्टार उतना खास नहीं लगे, ठीक है। वेव ब्रेकर फिन, ये ठीक है, काफ़ी लोगों के पास होता है, कभी बहुत रेयर यूज़ होता है ये भी। फेवेनियस कोटेक्स भी एक दो कैरेक्टर पे ही यूज़ होते हैं। सबसे एक ही इसमें बस बेस्ट है, वो है फेवेनियस, जो यहाँ पर आपको स्वॉर्ड दिख रही है, फेवेनियस स्वॉर्ड, यही सबसे बेस्ट है। इसके कॉन्स्टिलेशन भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं और फेवेनियस वाले हमेशा वेपन बेटर होते हैं। और ये वो भी उतना ठीक नहीं है, बट चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 4-स्टार उतने खास नहीं है। 5-स्टार में इस वेपन बैनर पे सिर्फ एक ही वेपन जो है वो है टॉप पे, वो है लाइट ऑफ फ्लोरी इनिशिएशन, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो बस इसी के लिए जाओ, ठीक है। बट वेपन बैनर स्कैम होता है, समझ जाना, 3-3 कैलामिटी याद मत दिलाओ। तो इसी तरीके से गाइस जो है हमारा रिव्यू हो चुका है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ गया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट होता है तो आप मेरे को लाइव स्ट्रीम पे आकर ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया किसे किसे पुल करना चाहिए और किसे नहीं पुल करना चाहिए। काजुआ और जोंगली फिर से मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज हो तो आप लोग और एक हफ्ता रुक जाइए जब तक कि 3.8 का बैनर नहीं आता है।
ठीक है, थोड़ी देर में मैं लाइव आने वाला हूँ, सो लाइव में आपसे मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।